अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब? हम लोग ठीक हैं। अच्छा, अभी सुबह सुबह का टाइम है और हम सब जा रहे हैं नायरा को स्कूल छोड़ने, क्योंकि रियान भी उठ गया है। तो आसिफ ने कहा कि हम सब चलते हैं आज, आगे देखते हैं आसिफ का क्या प्रोग्राम है। खाना है आपने? हलवा पूरी। आप भी स्कूल चली गई और रियाना साथ आए, तो उसको यही था कि अब सुबह उठे हैं तो अब हमें मिलेगा हलवा पूरी का नाश्ता। और हम आ गए हैं अपनी फेवरेट स्पॉट पे जो कि है लाहौरी रेस्टोरेंट। यहाँ से हम हमेशा हलवा पूरी खाते हैं। वैसे आसिफ, अब किसी और जगह से भी ट्राई करनी चाहिए, बहुत अरसे से नहीं की। वो आपकी बात सही है, पर करीब तरीन इसका नाश्ता सबसे अच्छा है। ये तो है, हलवा पूरी का टेस्ट इसका जो है बहुत अच्छा भी है। कराची जैसा लगता है ना। हाँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हलवा पूरी हमारी आ गई और हम घर जाके खाएंगे। अच्छा, तो अभी हम निकल रहे हैं। हमने एक तो रात को मैंने जो बोला था हिना को कि ये पकाना है चिकन शोरबे वाला, साथ में उबले हुए चावल, इतना यम्मी लगते हैं, वो लेके आने। दूसरा, एक जगह से हमने और एक चीज खरीदनी है, ऑयल। ऑयल के हाँ, चाहिए वो आज हम ले लेंगे, लेकिन पता नहीं अब आज पता करते हैं। अगर अभी मिल गया तो अभी ले आते हैं, वरना कल ले वरना फिर वो कल के ब्लॉग उसमें आपको एक नई चीज बना के भी दिखाएंगे। आपको भी सारा चावल पसंद है ना। अच्छा जी, तो अभी हम आए हैं चिकन लेने, क्योंकि चिकन जो है ना वो हमें ताजी लेनी पड़ती है। फ्रीजर हमारा जो है वो फ्रिज बना हुआ है, और उसको इतनी दफा बोला है ना फ्रिज वाले को कि भाई आ जाओ हमारा फ्रिज सही कर दो, तो वो आता ही नहीं। आज सुबह भी आसिफ बोल कर आए हैं जब स्कूल देने गए नायरा को, लेकिन वो नहीं आया। एक दिन आया था वो लास्ट वीक, और सुबह सुबह आ गया। उस टाइम हम सो रहे थे, हमें पता ही नहीं वो आके चला गया। तो इतना इशू बना हुआ है ना, तो चिकन अगर पड़ी हुई तो फटाफट कुक कर लो। और आसिफ शाम को सो गए थे, तो मैं बस फिर बैठी रही चिकन के इंतजार में भी घर जाके पकाएंगे खाना। और यमी यमी आज तड़के वाले चावल और चिकन का शोरबा। आप लोग जो देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये पसंद है। मुझे बहुत पसंद है और बहुत टाइम से नहीं खाया है। तो और जो नए आए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर किया करें। है ना रियान, बोलो लाइक कर दो हमारे चैनल को। चिकन हमने ले ली और अब हम जा रहे हैं कहीं। वो सरप्राइज है कल के ब्लॉग में, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। कल की ब्लॉग की तैयारी करने हम अभी जा रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो स्पेशल ब्लॉग है और डिफरेंट ब्लॉग है। वो कुछ हमारी बहनों ने बोला भी था कि वो चीज दिखाएं आप लोग, और दूसरा ये कि वो हमारे लिए भी फायदेमंद है। हम काफी और वो ब्लॉग है आसिफ, जब हमने पहली या दूसरी वीडियो डाली थी ना, तब से वो ब्लॉग की फरमाइश आ रही है। तो वो ब्लॉग इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिलेगा, कल ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो अभी आसिफ गए कुछ सामान लेने, और आप लोग गैस करें कि ऐसा क्या है जो हमने आपको दिखाना है, जो आपके भी फायदे का है और हमारे भी फायदे का है। आज हिना को मैंने की है अपनी फरमाइश कि मुझे आज स्पेशल ये चीज बना के दो, और हिना लगी हुई है। हाँ भाई, कहाँ तक पहुँची हो? और हमारी लाइट गई हुई है, लाइट तकरीबन एक घंटा होने वाला है, आने वाली है। इतनी शदीद कोई गर्मी है ना, गर्मी ने तो इंतहा कर दी आज। ऐसा हफ्स है और इतनी ज्यादा गर्मी है, क्या बताए। गर्मियाँ आ रही है जैसे जून नहीं होता। हाँ, ये देखे जी, ये बन रहे, ये क्या रखे, प्याज रखे तलन ली, और बाद की पैन है। अच्छा, आपको साथ साथ आज दिखाते भी हैं कि हिना बना क्या रही है, जो मुझे बहुत पसंद है। मेरा स्पेशल है बिरयानी के बाद, वो बनवा रहा हूँ हिना से मैं जी। तो मसाला भून के अब हिना ने बीच में डाल दिया है चिकन। यार सारा ही डाल देना हिना यार, इतना फिर वो फ्रिज खराब है, खराब हो जाएगा। अच्छा, फ्रिज वाले का भी बात करके आए हैं, आप देखो कब टाइम देता, कहता टाइम निकाल के एक आध दिन में आता हूँ। और ये हिना बना रही है चिकन, और ये कैसा बनना है और क्या फरमाइश है ये थोड़ी देर में ही आप लोगों को पता चल जाएगी। ये देखें जी, ये ऐसे चिकन भून रही है, और इधर क्या रख रही है, इधर दूसरा चीज, दूसरी चीज चावल। ये देखें जी, ऑयल डाल रही है, इधर हम चावल रखने लगी। ये ऑयल में ब्लैक ब्लैक कुछ है ना, है ना, वो पक्की बात है, फ्राइज वाला ऑयल था सर। चले जी, ये बन रहा है हमारे चावल, और ये हमारा बन रहा है चिकन, और चिकन को मसाले में भूनना शुरू कर दिया। यही कहने ना, देख ला मैनू पता है आंटी किताब पक रही है, भूनना शुरू करते हैं कह रहे हैं। और इसके बाद क्या करना है अब, चले वो साथ साथ आपको दिखाते हैं, और जरा देखते हैं बच्चों को, बच्चे क्या कर रहे हैं। लाइट आ गई, हम दोनों का तो पसीने से बुरा हाल है, बच्चे अंदर पता नहीं। हाँ, अंदर ठीक है। क्या कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो आप? पढ़ लिया है, होमवर्क कर लिया है, फ्री हो गई हो? चलो फोन से खेल लो और लड़ना नहीं, बस खाना पक जाए, फिर खाना बन रहा है, फिर खाना खाते हैं। जब बनानी हो बाद में बना लेना, पहले खाना, भूख बहुत लग रही है, मम्मा बस खाना बना रही है, ठीक है। यहाँ पे अब राइस मैंने बॉईल होने, ये मैंने तड़का डाल के जो बनाते हैं ना वो बनाए, और साथ में सालन भी बस रेडी होने वाला, और आसिफ को मैंने लगा दिया
कि आप जार में जो है ना दाने निकालने, यार ये दो कल मैंने निकाली थी, ये दो वॉश करने वाले थे, फिर मैंने इनको ड्राई करके अभी ड्राई मैंने तो मेरे गीले हाथ लग गए, गीले हाथ लग गए थे। ये देखो ना ये सारा टिश्यू कितने गीले हुए, ये ड्राई अभी किया है तो ही ये कारामद हुई है। और इस तरह से ना कंटेनर में पता नहीं कम की हुई थी, मैं स्कूल से बैठा था। ये हो गया मसर, पूरे नहीं आए, आ गए, की तकलीफ है मुझे, यही है ना ढक्कन, ये ढक्कन भी गीले हैं, मैं कह रहा हूँ ये गीला पानी लग जाए तो खराब हो जाती है, गीला पानी नहीं मतलब पानी लगने से भी खराब हो जाती है। ये देखो ना ये अंदर पानी है यार, वो जो चने की दाल बनती है ना मसूर की दाल डाल के, इतने मजे की बनती है वो। अच्छा पता नहीं आपको वो पसंद है, मुझे क्यों नहीं, मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा उस दिन आपने इतने मजे से खाई थी यार, अब जब आगे रखी दी है तो 100 बिस्मिल्लाह करके खावा गई हूँ, मना कर। चलो आपको जो पसंद है वो बना दूंगी। ये देखो ये किलो भी लाते तो मेरे ख्याल इसमें पूरी आ जाती, ये किलो वाला जा रहा है। हाँ ये हाफ के जी वाले, हाफ के जी वाले, ये देखो ना ये कचरा काम कितना आ रहे हैं, मैं तो है वेख बाकी गल्ला छाड़ दे। हां तो तू बड़े काम दी चीज है। ये देखो किस किस ने खानी है दाल की। अच्छा दाल। मजे की बात बताऊं, दाल तो दाल ही रहा हूं ना इस टाइम, जेब में मेरे सारा वो चल रहा है जो आप पका रही हो, क्योंकि मुझे बचपन से बिरयानी के बाद ये चावल उबले हुए नहीं होंगे, ये चावल होंगे तड़के वाले, ये बिरयानी की ही तरह है बस अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें, तड़के वाले चावल के ऊपर चिकन वाला शोरबे वाला डाल के चिकन खाने का जो मजा आता है ना, मेरे कहने पे मेरी बहन भाई एक बार ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा जरूर कैसा लगा है। आ गया था तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, एक दफा मैं खोल चुकी हूँ वैसे, ये जो है ना मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा बना लिए, बहुत ज्यादा फूल गए हैं, ये मैंने कम ही रखे थे उनके हाथ से कर रही हूँ। तो ये तड़के वाले चावल एक्चुअली कहलाते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते होंगे इनको, जो सारन के साथ ही देसी तरीके वाले, एक तो ब्राउन राइस होते हैं या वो होते हैं जो गार्लिक राइस वगैरह चाइनीज जो बनते हैं वो, ये वो नहीं है, ये देसी हमारे जो है ना ये तड़के वाले चावल। ये हाँ आज मेरा फेवरेट है, टेबल तो पहले ही लगा होना है, नायरा हटाओ बस सही। ये देखें जी खाना लग रहा है ना, ये बताओ सालन में कितना टाइम है, बस 5 मिनट यार, यार बस हो गई, आज सबर ही नहीं हो रहा। तो हो अच्छा डाइट कोल्ड ड्रिंक पड़ी है, डाइट कोक पड़ी है, सालन चावल के साथ डाइट कोट, यार डाइट कोट कोट नहीं कोक हुंदी है, मुझे नहीं पता मैं पीनी है, मैनू ओदे बगैर गुजारा नहीं, चावलों के साथ कोक ना हो ये मजा नहीं आता, ठीक है डाइट है वो पुलाव समझ भी आता है जी, नहीं ए भी मेरी बिरयानी है, बिरयानी वर्गे ही टेस्ट आ रहा है मैनू। खाना हो चुका है रेडी, चावल और सालन और अब आसिफ रेडी है, ओए कोक लेके आ फटाफट से, कोक भी ला दे। ये तो हिना इस टाइम रात के इस पहर बना रही है मेरे लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मुझे चाय की तलब हो रही थी, मैं हिनन क्या मैं चाय बना के दे, मैंने फिर ही सुकून मिलना, और मैंने मोहन देख रहा हूँ बादाम मुँह इस तरह लग रहा है, हिना देखी ऐसे लग रहा है एक साइड से स्वेलिंग हुई है, है ना वो बादाम रखा हुआ है मैंने मुंह में। अच्छा जी तो आप लोगों ने बताना है व्लॉग कैसा लगा, और एक चीज मैं और सोच रहा था मैं आइंदा से ये सब्सक्राइब करने का, और सब पहले बोला करूंगा क्योंकि बाद चो तुसी याद नहीं रखते या सुनते नहीं हो, शुरू च भी बोलांगा एंड च भी बोलांगा ताकि तुहानू याद रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, और कल का एक मजे का व्लॉग आने वाला है, तो कल तक के लिए दीजिए इजाजत और इंतजार कीजिएगा कल के व्लॉग का भी। ओके जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।